राइट, थैंक यू वेरी मच। और आप सबको ढेरों प्रणाम, सैकड़ों सलाम, लाखों नमस्ते और करोड़ों दुआएं। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, मैं शाहरुख खान पेश करता हूं कौन बनेगा करोड़पति। ओके, केबीसी के इतने एपिसोड करने के बाद मेरी दुनिया अब केबीसी ही हो गई है। मेरे दोस्त, मेरे डायरेक्टर्स मेरी इस आदत से परेशान हो गए हैं। परसों मेरा एक फाइट सीन शूट हो रहा था जिसमें विलन मुझे पकड़ लेता है और कहता है, बांध दो इसे रस्सियों से, फिर मैं सोचता हूं इसे कैसे मारना है। अब मैं तो केबीसी मोड में था। मैंने कहा, विलन जी अगर आपको सोचना ही है तो थोड़ा ऊंचा ऊंचा सोचो, मैं भी आपकी मदद कर सकता हूं, और अगर ज्यादा सोचना है तो मेरे पास थिंकिंग कैप भी है। विलन ने मुझे सीधा गोली मार दी। एक और सीन था जहां मेरी हीरोइन किसी दूसरे के साथ प्यार करने लगती है और वो आकर मुझसे कहती है कि राहुल मैं तुम्हारा घर छोड़कर जा रही। मैं इमोशनल सीन में तुरंत बोल पड़ा, सिमरन तुम्हें जाना है तो जाओ, लेकिन जाने से पहले तुम्हें कहना होगा राहुल तुमसे मुझे गले मिलना है। क्या करें, अब क्या करें, इस खेल का नशा ही कुछ ऐसा है जो एक बार चढ़ गया फिर नहीं उतरता। और इसी नशीले खेल को खेलने के लिए मेरे सामने बैठे हैं जोशीले बाला भद्रदेव, जो विशाखापट्टनम से आए हैं और विशाखापट्टनम स्टील प्लांट में काम करते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि मैं इनका फेवरेट एक्टर हूं, थैंक यू वेरी मच। और दूसरी अच्छी बात यह है कि अगर ये 2 करोड़ रुपए जीत गए तो ये समुद्र के अंदर जाना चाहते हैं। क्यों आप पानी में डूबना चाहते हैं बालभद्र जी? पानी में तो समुद्र को रत्नगर्भ कहा जाता है। रत्नगर्भ। अच्छा, हिंदू मिथोलॉजी में सागर मध किया गया है, सागर मधनम। ओके, एवरी गॉड है, मतलब जो कोई भी देवी देवता है उन्होंने सारी चीजें लिए हैं। तो अभी ये भी रत्नगर्भ में और एक चीज बाकी है, कुछ भी हो सकता है जो आम जनता के लिए काम में आ सकता है। ठीक है, आपका बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन, लेकिन फिर भी आपसे मैं पूछूंगा क्यों आप पानी में डूबना चाहते हैं? आप निकाल देंगे इसलिए मैं आपको जरूर निकाल दूंगा और हर प्रॉब्लम से निकालूंगा। यहाँ पर इनके साथ आई हुई इनकी पत्नी डी दुर्गा भवानी। भवानी जी कैसी हैं आप? फाइन, थैंक यू। आपको अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर? बहुत अच्छा। आप भी पानी में जाएंगे? नहीं नहीं ना। ओके, वेल डन, आपकी सोच बेटर है। और आपके बच्चे भी हैं? बेटी है? एक बेटी है। क्या नाम है उसका? कीर्तना, लीला कीर्तना। कीर्तना, लीला, लीला नाम है। ओके लीला, मेरा बहुत बहुत प्यार तुमको और मैं दुआ करूंगा कि तुम्हारे डैडी जो यहाँ पर बैठे हैं, फोटो है आपके पास, वन सेकेंड, लीला की तस्वीर लेकर आए हैं डैडी। मुझे बहुत अच्छा लगता है माँ बाप अपने बच्चों से इतना प्यार करते हैं। ये है लीला, या वी कैन सी लीला इज वेरी प्रिटी एंड वी लव यू लीला एंड होप द बेस्ट फॉर योर फादर हु इज सिटिंग हियर राइट नाउ अबाउट टू विन 2 करोड़ रुपीज। ओके, जल्दी से मैं आपको गेम के रूल्स बताता हूँ। बालभद्र साहब, आपको कोई छोटा नाम है? देवा बुलाती। देवा, देवा, जल्दी से रूल बताता हूँ। 1 से लेकर 15 सवाल हैं, 1,000 to 2 करोड़ रुपीज। बीच में 2 पड़ाव आएंगे, 20,000 रुपए का, 6,40,000 रुपए का। 3 लाइफलाइंस आपकी मदद के लिए हैं, 50-50, 1 phone a friend और 1 audience poll। चौथी लाइफलाइन है, उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा और आपको अच्छा लगता है इसलिए मैं कहूँ सबसे बड़ी लाइफलाइन मैं हूं ना। थैंक यू। ओके देवा, गेम के रूल्स आपको मालूम पड़ गए हैं, जल्दी से आपके साथ खेल शुरू करूंगा। लेकिन जो हमारे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के कंटेस्टेंट यहाँ पर बैठे हैं, साथ साथ हमारे खेलते रहिए क्योंकि आप भी 2 लाख रुपए जीतकर घर जा सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट टू एवरीवन, एवरीवन इज रेडी टू गो। ऑलराइट, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। पहला सवाल है 1,000 रुपए के लिए। आर यू रेडी? यू फीलिंग गुड? यस। ओके मिस्टर कंप्यूटर, रिलैक्स, गुड। कंप्यूटर गारू बोले? कंप्यूटर साई बोले। ओके कॉम्पैक्ट साई, 1,000 रुपए के लिए पहला सवाल देवा से पेश किया जाए। अगर कोई चीज आपको फोकट में मिलती है तो दरअसल आप इसे कैसे पाते हैं? आपकी चॉइसेस हैं ए महंगी फॉर हाई प्राइस, बी रियायत फॉर अ डिस्काउंट, सी मुफ्त यानी फॉर फ्री, डी सस्ती यानी फॉर अ चीप प्राइस। फॉर फ्री, सी। क्या करूं, फ्रीज करूं? मिस्टर कंप्यूटर, सी फॉर फ्री, फ्रीज इट प्लीज। एंड यस यू आर राइट, 1,000 रुपीज, वेल डन। दूसरा सवाल 3,000 रुपए के लिए मिस्टर कंप्यूटर कॉम्पैक्ट साई पेश किया जाए। टेलीविजन न्यूज चैनलों में तात्कालिक समाचार के लिए कौन से नाम का प्रयोग किया जाता है? आपकी चॉइसेस हैं ए शेकिंग न्यूज, बी क्रैशिंग न्यूज, सी शैटरिंग न्यूज, डी ब्रेकिंग न्यूज। इट इज डी ब्रेकिंग न्यूज। पक्का? पक्का। ओके मिस्टर कंप्यूटर, डी ब्रेकिंग न्यूज, फ्रीज इट प्लीज। एंड यस, डी ब्रेकिंग न्यूज इज द राइट आंसर, 3,000 रुपीज, वेरी डन। देवा बहुत अच्छा खेल रहे हैं विशाखापट्टनम से।
जल्दी जल्दी सवाल करता हूँ कि तुम पहला पड़ाव क्रॉस कर लो, उसके बाद बातचीत करेंगे। तीसरा सवाल 5000 रुपए के लिए, कॉम्पैक्ट गारू कॉम्पैक्ट साई पेश किया जाए। इनमें से क्या एक पक्षी और एक फल दोनों का नाम है? आपकी चॉइसेस हैं ए डोडो, बी पफिन, सी कीवी, डी पेंगुइन। डोडो, पफिन, कीवी, पेंगुइन। Which of these is the name of both a fruit and a bird? क्या लग रहा है देवा? ये ऑडियंस पोल। You like to take an audience poll? Okay, Mr. Computer, compact sign. देवा अपनी लाइफलाइन ऑडियंस पोल का इस्तेमाल करना चाहते हैं, उन्हें प्लीज ये ऑप्शन दिया जाए। सवाल आप लोगों ने सुन लिया है, इनमें से क्या एक पक्षी और एक फल दोनों का नाम है? आपकी चॉइसेस हैं डोडो, पफिन, सी कीवी, डी पेंगुइन। जल्दी से अपने पोल पैड्स पर एबीसीडी दबाएं और देवा की मदद करें। आपका टाइम पोलिंग का शुरू होता है नाउ। ऑडियंस को लगता है 89% कीवी है, डोडो 4% को लगता है, पफिन 5% को लगता है और पेंगुइन भी ये कोई ऐसा फल है जो 2% को लगता है। सर मैं जनता के साथ जाऊंगा। कौन से जिन्होंने पेंगुइन बोला है? नहीं, जो मैक्सिमम बोला है कीवी। कीवी, ओके मिस्टर कंप्यूटर, सी कीवी फॉर देवा, फ्रीज इट प्लीज। एंड यस, सी कीवी इज द राइट आंसर, 5000 रुपीज। आपसे हर सीट हॉट सीट कॉन्टेस्ट के सवाल का, ये है आज का सवाल। पुराणों के अनुसार सभी इच्छाओं को पूरा करने वाली नंदिनी कौन सी जानवर थी जिसने ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ की सेवा की थी? आपकी चॉइसेस हैं 1 बाज, 2 हाथी, 3 गाय, 4 घोड़ा। अगर आपकी उम्र, जल्दी से इसके जवाब के बारे में सोचिए और घर बैठे आप 2 लाख रुपए जीत सकते हैं। यहाँ पर बैठे हुए मैं पता करता हूँ कि कौन वो 2 आदमी हैं जो मुझे पेंगुइन फ्रूट खिलाएंगे। तो मैं फ्रूट खाता हूँ, आप भी ये कोई ऐसा फ्रूट खाएं जिसका नाम आपको मालूम है, मुझे मालूम है। जल्दी वापस आ जाएं क्योंकि यहाँ पर हम आपका इंतजार कर रहे हैं। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स। मेरे सामने बैठे हुए हैं देवा, जो 5000 रुपए जीत चुके हैं और 10000 रुपए जीतने की फिराक में है। चौथा क्वेश्चन जल्दी से पूछता हूं, फिर बातचीत करेंगे। मिस्टर कंप्यूटर, फोर्थ क्वेश्चन पेश किया जाए। एक ही फिल्म में जयप्रकाश पासवान एक पुरुष और लक्ष्मी गोडबोले एक महिला का किरदार किसने निभाया था? आपकी चॉइसेस है ए कमल हासन, बी परेश रावल, सी सदाशिव अमरापुरकर, डी आशुतोष राणा। फिल्में देखते हो? कम देखते हो।